नमस्कार, मैं आसमा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हिमाचल के सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भारी बरसात हुई थी, इसके चलते नाहन को पेयजल आपूर्ति करने वाली गिरी योजना बंद हो गई थी। इसके बाद विभाग से इसे चालू किया गया और इसके अतिरिक्त भी अन्य खैरी योजना से भी आपूर्ति की जा रही है। शहर में राशनिंग करके एक दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई इलाके इसमें ऐसे हैं जहां जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है या कम जल आ रहा है। नाहन की पुलिस कॉलोनी समेत कई मोहल्लों में पानी की कमी की समस्या आ रही है। इसी समस्या को लेकर पुलिस कॉलोनी के लोग जल शक्ति विभाग कार्यालय पहुँचे और जल आपूर्ति सुचारू करने बारे ज्ञापन भी दिया। उधर एक्सीएन जल शक्ति नाहन आशीष राणा ने बताया कि शहर में जल शक्ति विभाग योजनाओं को सुचारू करने में जुटा हुआ है और राशनिंग से जल आपूर्ति की जा रही है। लोगों ने बताया कि उनके यहाँ कई दिनों से पानी नहीं आ रहा है, जिसके चलते उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार वो लोग पानी के टैंकर मंगा चुके हैं, ऐसे में विभाग को इन क्षेत्रों में भी जल उपलब्ध कराना चाहिए। एक्सीएन नाहन आशीष राणा ने बताया कि शहर की मुख्य पेयजल योजना गिरी को सुचारू करने में विभाग लगा हुआ है, जो कि ठीक होने पर फिर बारिश से खराब हो जाती है। इसके अलावा शहर को नहर सबार खेरी पेयजल योजनाओं से जल दिया जा रहा है, एक दिन छोड़कर जल आपूर्ति की जा रही है। नाहन से हमारे संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। जो पुलिस कॉलोनी में रहते हैं एस सी आई पी एस साहब से मिलने आए हुए, क्योंकि हमें एक महीने से लगभग पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। खाने पीने के लिए भी हमें बाजार से पानी लाना पड़ रहा है। दिन रात ड्यूटी करने के बावजूद भी जब हम घर में आते हैं तो वहाँ सारे बर्तन खाली पाए जाते हैं। जितनी बार भी हमने कंप्लेंट दी, पर्सनली मिले, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आईपीएच कर्मचारी आते हैं और पाइपों को बजा के वापस आ जाते हैं। तो अंत में मजबूर होकर सभी लोग 25-30 लोग जो है अब एससी साहब से मिल रहे हैं, एक्शन साहब से भी मिलेंगे और अपने ग्रीवेंसीज को सॉल्व करने के लिए हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना जल्दी हो सके हमें पानी मिले, ताकि हम अपनी ड्यूटी को ठीक ढंग से कर सकें। जब 6 जुलाई के बाद पुलिस कॉलोनी में सिर्फ एक और दो बार थोड़ा थोड़ा ही पानी आए, उसके अलावा हमें बाहर से टैंकर मंगवाना पड़ता है। और जब किसी के या फिर दूसरों के क्वार्टर से पाइप लगा के पानी लेते हैं हम लोग और आते हैं, तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि कहाँ पहले पानी लाए हैं ड्यूटी के लिए, फिर ड्यूटी के लिए हम ड्यूटी के लिए आ जाते हैं, बट पानी के लिए सोचते कि हाँ ठीक है अभी किसी और से टैंकर मंगवा के ही ऐसे ही काम चला रहे हैं एक महीने से। और जब फ़ोन करते तो ये लोग फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। वाटर सभी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं जो हमारी वाटर सप्लाई की स्कीम है। पिछले जब से बरसातें शुरू हुई हैं उससे टाइम टू टाइम हमारे जो जो डैमेजेस हो रहे हैं, जो ग्रेविटी लाइन है जैथल से हमारे नाहन की तरफ कोट रोड तक जो लाइन आती है 14 किलोमीटर की, जगह जगह से हमारी जो सेटलमेंट हो रही है बरसातों की वजह से उसके जॉइंट्स जगह जगह से खुल रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से सप्लाई बाधित हो रही है। लेकिन इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से एफर्ट पूरे जा रही हैं, हमारी टीम्स वहीं पे ही लगी हुई हैं। जैसे ही कोई डैमेज आता है हम उसको उसी दिन कोशिश करते हैं ठीक हो जाएं। कभी डैमेज ज़्यादा हो तो एक दिन से ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जैसे ही हमारा कोई इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होती है उसी वक्त इसको जो है हमारी टीम डिप्लॉय करके इसको ठीक कर दिया जाए। फिलहाल जब तक बरसाते हैं तब तक इनकी संभावनाएँ बनी रही हैं और आगे भी ऐसी रहने की आशंका है, बिकॉज बरसातों का जो फोरकास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस बताया जा रहा है। तो लेकिन जल शक्ति विभाग जो नाहन है इसमें पूरी तरह से तत्पर है अपने काम को करने के लिए। कई जगह पानी की सप्लाई कुछ पॉकेट्स में एयर्स की वजह से भी दिक्कत आ रही है, कुछ एक कंज्यूमर को समस्या का समाधान करना पड़ रहा है, लेकिन वो कंज्यूमर्स का भी हम इंडिविजुअली अगर कोई इशू हो रहा है उसको अपने बंदे भेज के कोशिश कर रहे हैं कि उसका भी समाधान हो जाए। और इसका परमानेंट समाधान जो सा है वो हम अच्छे से जानते हैं कि जब बरसातें पूरी तरह से रुक जाएंगी तभी ही संभव हो पाएगा। लेकिन फिर भी जो हमारी पुरानी बोगरिया की जो स्कीम थी वो भी चल रही है, हालांकि उसमें पानी जो है कम गिर रहा है, लेकिन उस वजह से जितना भी हो सके हम एक एरिया को जितने भी हमारे जहाँ पे सप्लाई के इश्यूज़ हैं वहाँ पे केटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और
जो सप्लाई जो है ऑल्टरनेट डेज दी जा रही है, उसका कारण भी यही है कि जितनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल हो पा रही है वहाँ पे हम पर्टिकुलर जिस एरिया में जो हमारी सप्लाई का दिन है वहाँ पे हम प्रॉपर सप्लाई दे सकें, ताकि किसी तरह का कोई इशू जो है वो ना हो कहीं पे भी पानी को लेके। और अगर कहीं पे भी अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे SDOs, हमारे JEs, उनके नंबर सभी के पास हैं, वो उनको कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मुझे भी रेगुलर कॉल्स जैसे ही आती हैं हम कोशिश करते हैं कि हम उसी टाइम उसका समाधान कर दें। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।